कंट्रोल क्या होता है, जो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, ये बेसिकली एक मैनेजर अपने अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से सुपरवाइज कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है, वो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की में कितने लेवल्स होंगे ये भी आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल बताता है। आपके डेलीगेशन और अथॉरिटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच है उसको आप कितना डेलीगेट कर सकते हो, उसकी क्या हदें होंगी, ये भी आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल बताएगा। बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो और वाइड दो किस्म का होता है, अब उनको डिटेल में करते हैं। पहले आता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो मैनेजर के अंदर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हो जो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, तो तब जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो नैरो होता है। यानी आपका एक मैनेजर उसके अंदर बहुत लिमिटेड से बंदे हैं जिसको वो सुपरवाइज कर रहा है, और वो बंदे सबॉर्डिनेट्स डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगा जिसके बहुत सारे लेवल्स होंगे मैनेजमेंट के। देखो जितना स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा उतने एक बंदे के अंदर कम, मतलब एक बंदे के अंडर कम बंदे आएंगे, यानी उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉल बनता जाएगा। ठीक है, सो जो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये कहीं ना कहीं आपको क्लोजर सुपरविजन अलाउ करता है, कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, इसमें इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। ये तब सूटेबल है जब आपका जो वर्क है ना उसमें एक तो आपको क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए, डिसीजन मेकिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है, एम्प्लॉयज़ को हाई डिग्री ऑफ डायरेक्शन और सपोर्ट चाहिए। सेकेंड आता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखो जब एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स होंगे जो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, जिनको वो सुपरवाइज कर रहा है, तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइडर होगा। बेसिकली अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो फ्लैट होगा, क्योंकि अब एक ही बंदे के अंदर काफ़ी बंदे आ गए, सो बहुत कम लेवल्स होंगे मैनेजमेंट पे। सो ये जो आपका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये एक तो ऑटोनॉमी ग्रांट करता है, और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मैनेजर के पास बहुत कम डायरेक्ट रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है, फास्टर कम्युनिकेशन करो, स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग हो, एफिशिएंट यूज करो रिसोर्सेज का, ये सारी चीज़ों को वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल प्रमोट करते हैं। ठीक है, जब आपका वर्क रूटीन नेचर क्या है, एम्प्लॉयज खुद काम करना जानते हैं, मैनेजर्स को बहुत कॉन्फिडेंस अपने एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज पे, तब आप वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपका जो अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे, यानी वो नैरो होना चाहिए या वाइड होना चाहिए। ठीक है, सो जैसे आपकी नेचर ऑफ वर्क क्या है, मतलब किस प्रकार का काम आप कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, जो टास्क ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म करने, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी गंभीरता कितनी है, एम्प्लॉयज़ की क्या स्किल्स आपके पास अवेलेबल है, और जॉब क्या डिमांड कर रही है, लेवल ऑफ ऑटोनॉमी कितना चाहिए, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स। सो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आपने अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल की डिटर्मिनेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बैलेंस लाना पड़ेगा अफेक्टिव सुपरविजन और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, देखो जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली जो आपके नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज है जो एक मैनेजर इफेक्टिवली सुपरवाइज और मैनेज करता है, उसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। इन शॉर्ट कोई ज्यादा खासा फर्क नहीं है, स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। सो जो तीन मेजर फैक्टर्स स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले आता है मैनेजर्स की ट्रेनिंग। अब जो ट्रेनिंग और स्किल्स मैनेजर्स के पास हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी एबिलिटी को डिटरमाइन करने के, वो कितनी अच्छे तरीके से अपने लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर सकते हैं। दूसरी आती है मैनेजर की पर्सनल क्वालिटीज की, उसकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ कैसे हैं, वो बोलता है कैसे, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ कहते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। थर्ड आता है सबॉर्डिनेट्स ट्रेनिंग। अब जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनको ट्रेनिंग दी गई है, जो उनकी कैपेबिलिटीज है, उनका भी कहीं ना कहीं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। अगर तो आपके सबॉर्डिनेट्स वेल ट्रेंड हो या वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आराम से कर सकते हैं, तो मैनेजर लार्जर स्पैन भी कर सकता है। अगर वो इंडिपेंडेंटली फैसले ही नहीं ले सकते, तो फिर मैनेजर को कहीं ना कहीं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन आया था पेपर में, कॉन्टिंजेंसी अप्रोच क्या है। देखो जो अगर हम कॉन्टिंजेंसी अप्रोच की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स हैं जो आपके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को गवर्न करते हैं, यानी अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, यानी ये बहुत कॉन्टिंजेंसी अप्रोच के अकॉर्डिंग बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आपके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, उस पर अफेक्ट डालते हैं। उन फैक्टर्स को अगर हम ध्यान से देखें, तो सबसे पहले आता है टाइप ऑफ वर्क। अब जो ये फैक्टर्स है ये कॉन्टिंजेंसी अप्रोच के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो आपका जो वर्क आप कर रहे हो क्या उसकी नेचर है, कितना कॉम्प्लेक्स काम आप कर रहे हो, ये आपके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर तो आपका काम बहुत स्पेशलाइज है या तब कॉम्प्लेक्स है, तो आपको स्मॉलर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ही रखना पड़ेगा, यानी इन शॉर्ट मैनेजर को। सेकेंड आता है एबिलिटी मैनेजर की।
जो आपका मैनेजर है, ठीक है, जो उसके पास स्किल्स हैं, क्या उसकी काबिलियतें हैं, क्या उसके पास पुराना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिटरमाइन करने पे इम्पैक्ट डालेंगी। अगर तो एक मैनेजर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल एबिलिटीज हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं, तो वो लार्जर स्पैन को भी हैंडल ईजिली कर सकता है। फिर आती हैं आपके एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़। अब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं यानी जो मैनेजर के सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, वो मोटिवेटेड है या नहीं अपने काम के प्रति, उनके पास कोई काम का पुराना एक्सपीरियंस है या नहीं, ये सारी चीज़ें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे इंपैक्ट डालती हैं। अगर तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स बीइंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर हाईली स्किल्ड हैं, मतलब उनमें बहुत अच्छी खासी स्किल्स हैं, वो अपने आप को खुद मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेजर कहीं ना कहीं बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रख सकता है। आगे आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल के हिरार्की के अंदर आ रहा है, जिस पे मैनेजर काम कर रहा है, वो भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट डालेगा। हायर लेवल मैनेजर्स के पास यानी जितने मैनेजर्स हायर लेवल पे होंगे ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की में, उतना ही उनके पास स्मॉलर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, क्योंकि उनके जो टास्क होती हैं, उनकी जो जिम्मेवारियाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और वो स्ट्रेटेजिक नेचर की होती हैं, और जितना लोअर लेवल का मैनेजर होगा उसका उतना ही बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा। आगे आती है आपके पास जियोग्राफिक लोकेशन, जो आपके सबॉर्डिनेट्स है। अब वो जो ये तो पक्की बात है कि वो ज्योग्राफिक डिस्पर्शन उनमें है, वो अलग अलग एरिया से आए हैं, अलग अलग उनकी चीज़ें हैं, सो ये चीज़ भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट डालेगी। अगर तो सबॉर्डिनेट्स आपके अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से हैं, यानी वो अलग अलग जगह पे ही हैं, वो लोकेटेड हैं अलग अलग जगह पे, तो जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वो आपको स्मॉलर रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट करना, अच्छी कम्युनिकेशन बनाना, यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था स्टेजेस आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करनी है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल की। देखो, सबसे पहली स्टेज आती है स्टार्टअप, ये सबसे बेसिक स्टेज, इनिशियल स्टेज आप कह सकते हो, जब बिजनेस को बनाया जाता है। इसमें आप अपने ऑपरेशन सेट करते हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करते हो, मार्केट में एंटर करते हो फर्स्ट टाइम। फिर आती है सर्वाइवल। इस स्टेज में जो बिजनेस का मेन मुद्दा, मेन उसका फोकस होता है, उसने अपना एक कस्टमर बेस अच्छा खासा बनाना है। अगर अच्छा खासा उसका कस्टमर बेस होगा तभी उसका पैसा बनेगा, और जिसने भी उसके इनिशियल चैलेंजेस है वो उस पैसे से वो ओवरकम कर पाएगा। सो प्राइमरी गोल यही है, सर्वाइव, यानी आपको कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना है और फाइनेंशियली स्टेबल बनना है। फिर तीसरी स्टेज आती है एक्सपेंशन। अब देखो, आपने स्टेबिलिटी तो अचीव कर ली, ठीक है, आपका अच्छा प्रॉफिट भी आप कमा रहे हो, अब काम आता है अपने आप को बढ़ाओ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करो। एक्सपेंशन में क्या होता है, आप अपने ऑपरेशंस को बढ़ाते हो, नई नई मार्केट्स में एंटर करते हो, अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हो। आगे आती है कंसोलिडेशन। ये जब आपने रैपिड एक्सपेंशन कर ली, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे आप पहुँच चुके हो, अब बिजनेस क्या करेगा, वो कंसोलिडेशन स्टेज में एंटर कर जाएगा। ये स्टेज का फोकस क्या है, आप अपनी मार्केट में पोजिशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो, इतनी स्ट्रॉन्ग कि कोई उसको हिला ना सके। अपनी एफिशिएंसीज इंप्रूव करो, जितने आप प्रोसेसेस कैरी आउट कर रहे हो उनको ऑप्टिमाइज कर लो। मर्जर, सिक्विजन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सब कुछ इस स्टेज के अंदर आते हैं। लास्ट स्टेज आती है डिक्लाइन की। देखो, जब आपने सब कुछ कर लिया, मतलब जैसे देखो बच्चा एक पैदा होता है, वो पहले चाइल्ड होता है, फिर टीनेजर में आता है, एडोलेसेंस में आता है, एडल्ट बनता है, ओल्ड एज में, एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है एक बंदे की। सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का काम है, लास्ट स्टेज आती है उसकी डिक्लाइन की। यहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस है, अब वो स्टार्ट हो जाती है डिक्रीज करना, मार्केट शेयर आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होती, कोई एक फैक्टर आपको डिक्लाइन स्टेज पे नहीं लेके जा सकता। मार्केट के ट्रेंड्स चेंज हो गए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब आप अपने आप को इतना नहीं बढ़ा पाए कॉम्पिटिशन के कारण, इवन कई इंटरनल चैलेंजेस भी होते हैं। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में जुड़कर आपके वो डिक्लाइन, आपके बिजनेस को डिक्लाइन स्टेज में ले जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब गुड्स के रिगार्डिंग ना एक क्वेश्चन था, वैसे तो आपको ये मैंने 9th यूनिट में करवाना, चलो एक बार देख लो इसको। एक्शन, इसमें ना तीन वर्ड्स आते हैं गुड्स में, एक आता है एक्शनेबल क्लेम, एक आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, और एक है एग्जिस्टिंग गुड्स। देखो, जो एक्शनेबल क्लेम है ना, रिकवर्ड ओनली बाय मीन्स ऑफ अ सूट और एन एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जब आपको कोई कंपनी गलत या डिफेक्टिव गुड्स चेप देती है ना, अगर तो आप उसकी रिकवरी चाहते हो तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें उसको एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। फिर आती है आपके पास अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। जब आप देखो, आपके पास मिक्स्ड गुड्स होते हैं, जब आप गुड्स को सेपरेट कर देते हो, जो बिक चुके हैं और जो नहीं बिके उनको अलग कर देते हो, उसे अप्रोप्रिएशन कहा जाता है।
इससे आपको ना अप्रोप्रिएशन से ये पता चल जाता है कि एक्चुअल कितने गुड्स डिलीवर हो चुके हैं। कई बार क्या होता है ना, ये तब की जाते, मान लो जब आपके जो आपका कस्टमर था उसने आपको पैसे दे दिए, उसने आपको पेमेंट कर दिया, बट उसने अभी तक डिलीवरी नहीं ली गुड्स की। अब आपके गुड्स तो मिक्स पड़े हैं, ठीक है, लाइक आपके अनडिलीवर्ड और डिलीवर्ड दोनों। तब आप अप्रोप्रिएशन करते हो, जो बिक चुके हैं उनको अलग कर देते हो, जो नहीं बिके उनको अलग कर देते हो। आगे आते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। अब ये वो गुड्स हैं जो अभी भी सेलर के नाम में है, अभी उसको टाइम लगेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर करने में, ठीक है। अब आगे आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो यहाँ पे यूज हुआ था वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसके रिगार्डिंग में आपको दो क्वेश्चन और पेपर में आए थे, वो भी करवा देता हूँ। देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ना कहीं कुछ ऐसी इंप्लाइड कंडीशंस है जिनको ऑटोमेटिकली इंक्लूड किया जाता है, डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है और लॉस कौन से उस टाइम पे एप्लीकेबल है। अब जो ये इंप्लाइड कंडीशन, मतलब ये खुद ब खुद लग जाते हैं, इनको ना भी बोलो ना तब भी ये लगेंगी। यानी जो ये इंप्लाइड कंडीशन है ये एक्सप्लिसिटली मैंशन नहीं होती, सीधी सीधी नहीं मैंशन होती, ये कॉन्ट्रैक्ट में इंप्लाइड होती, इनको ज्यूम किया जाता है जब एग्रीमेंट होगा ये चीज़ें होंगी। तो ये ना चीज़ें कुछ सर्टेन राइट्स दे देती हैं, बायर को कुछ प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इम्प्लाइड कंडीशंस जो पेपर में बहुत बार पूछी गई तो वो बताऊं, तो एक आते हैं कंडीशंस एड्स टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। ऑब्वियस बात है, देखो अगर आप गुड्स को बेच रही हो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जिस बंदे ने जिस पर्पज़ के लिए खरीदे वो पर्पज़ उसको सर्व करना पड़ेगा। दूसरी आती है कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी। जो गुड्स आपने बेचे हैं एक तो वो रीजनेबल क्वालिटी के होंगे, ठीक है, वो जिस कारण के लिए खरीदे गए वो कारण सर्व करेंगे। इसके अलावा उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, सब वो सेफ्टी प्रोवाइड करता हो गुड। नेक्स्ट आता है कंडीशंस टू होलसम। देखो जितना ये बेसिक जो कंडीशन है ना, जब आप फूड या कंज्यूमेबल गुड्स को सप्लाई करते हो वो हेल्थ के लिए सेफ होने चाहिए, फिट होने चाहिए कंजम्पशन के लिए। आगे आते हैं फ्यूचर गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिनको आप मैन्युफैक्चर करोगे बट इनकी मैन्युफैक्चरिंग बाद में होगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी चीज़ें पहले बिकेंगी फिर गुड्स बनाए जाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जिसमें हम डेलीगेशन अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, ठीक है। जो अब ये मान के चलो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में, ये आपको कहीं ना कहीं पता है भैया। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी जिम्मेवारी होती है, जो आपने किसी के प्रति काम करके निभानी है। जो अथॉरिटी है वो है आपकी पावर, आपके पास चीज़ों को कंट्रोल करने की पावर कितनी है। अब जो ये दो चीज़ें ना ये रिलेशनशिप बताती हैं, यानी ये दो चीज़ें जब भी आएंगी इकट्ठी आएंगी, ये रिलेशनशिप बताती हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स और उनके रूल्स के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रही है। आगे आती है आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये वो प्रैक्टिसेस हैं दोनों जिनको ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारियों को बांटती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी बांटी जाती है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में करते हैं आगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ो, जो आपकी ड्यूटी है एक इंडिविजुअल की, उसकी ऑब्लिगेशन, जो उसकी एक जिम्मेवारी है कि उसने भाई ये काम करना है, ये स्पेसिफिक टास्क करना है, ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे देते हैं। जब किसी बंदे को जिम्मेवारी दी जाती है, यानी वो बंदा किसी ना किसी को तो अकाउंटेबल होगा, उसने उस बंदे को जवाब देना है कि उसने ये काम कैसे किया, क्यों किया, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसेस को फॉलो किए, यानी जितने भी वो काम करेगा जो भी उसके कंसिक्वेंसेस निकलेंगे उसके लिए वो अकाउंटेबल है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को साइन कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये बहुत ज़रूरी भी है करनी है, ठीक है। आगे आती है अथॉरिटी, लेजिटिमेट पावर, चीज़ों को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या आपके पास पावर वेस्टेड है। ये अब जो आपकी अथॉरिटी है ना, क्या क्या आप फैसले ले सकते हो, किस किस को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, क्या क्या आप एक्शंस कर सकते हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे ही होता है। यानी ये ना अथॉरिटी आपको पोजीशन से मिलती है, यानी आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी क्या, आप कमांड कैसे कर सकते हो, किसी बंदे को डायरेक्ट कर सकते हो या नहीं, कंट्रोल कर सकते हो। सो कहीं ना, यानी आप मान के चलो, देखो अगर मैं आपको कॉलेज के एग्जाम्पल दूँ, प्रिंसिपल के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, HODs के पास उनके कम होती हैं, टीचर्स के पास, असिस्टेंट प्रोफेसर के पास जो आप बनने जा रही हो फ्यूचर में उसमें कम होती हैं। ये ड्यू टू पोजीशन पे डिपेंड करता है कि अथॉरिटी है कितनी आपकी। अब एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था एम्प्लॉयज़ को बहुत अलग अलग सोर्सेज से अथॉरिटी मिलती है, वो सोर्सेज बताओ। सबसे पहले तो पोजीशन, देखो जितनी स्ट्रांग पोजीशन होगी उतनी आपके पास अच्छी अथॉरिटी होगी, ठीक है। हर एक पोजीशन में आपके पास, हर एक पोजीशन पे आपको एक ना एक अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। एक्सपीरियंस, अब जो बंदों के पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, हम उनको उनकी नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे भी अथॉरिटी दे सकते हैं। मॉरल वर्थ,
कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अथॉरिटी उनके परसीव्ड मॉरल वर्थ या एथिकल स्टैंडिंग के कारण मिलती है, यानी मतलब क्या नहीं देते, ये बंदा कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, ये सच्चाई की मूर्त है, इस बेसिस ये एथिकल मॉरल्स होते हैं। ये तो एक बहुत छोटे एग्जांपल है, इसे मॉरल वर्थ कहा जाता है। पास्ट सर्विस, अगर एक बंदा आपके पास 20 साल से काम कर रहा है, ठीक है, उसकी इतनी लंबा टर्म है सर्विस का आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए और अपनी उसको अथॉरिटी दे सकते हो। इंटेलिजेंस, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है, बहुत हाई इंटेलिजेंस लेवल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं उसकी, बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है, दिमाग उसका घोड़े की तरह दौड़ता है, इस बेसिस पे भी अथॉरिटी को ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है, आगे आती हैं अथॉरिटी की टाइप जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में फाउंड होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में आपको देखने के मिलेंगी जो अथॉरिटी की टाइप्स हैं, उनमें पहली आती है लाइन अथॉरिटी। अब जो ये लाइन अथॉरिटी है, ये सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट डायरेक्टली एक वर्टिकल चेन ऑफ कमांड में आती है, यानी जो चीज़ें, यानी जो पावर्स एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को सीधी लाइन में देता है चेन ऑफ कमांड में, उसको लाइन अथॉरिटी कहा जाता है। फिर आती है स्टाफ अथॉरिटी। अब जो ये अथॉरिटी है, ये आपके जो लाइन पर्सोनल्स हैं ना, उनको सपोर्ट भी करती हैं, उनको एडवाइस भी करती है, यानी जो स्टाफ अथॉरिटी पोजीशंस हैं, इनके पास वो पावर है कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, बट ये डायरेक्टली किसी को कमांड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप अपनी सजेशंस दे सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो चीज़ों, बट अगले बंदे को आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरी आती है फंक्शनल अथॉरिटी। अब जो ये टाइप अथॉरिटी की, ये पर्सन के एक्सपीरियंस ही आती है, कितना वो एक्सपर्ट है, क्या उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, या किसी कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज की उसके पास क्या स्किल है, यानी ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को अलाउ करते हैं कि वो फैसले ले सकते हैं, डिसीजंस कर सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं किसी बंदे को उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये आज हमारे सेशन का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। देखो, जब ये वो प्रोसेस है जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, एक बंदा जिसको हम डेलीगेटर कहते हैं, वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसे हम डेलीगेटी कहेंगे, एक स्पेसिफिक टास्क को या पूरा परफॉर्म करने के लिए या कोई फैसला लेने के लिए, यानी जब एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों साथ बाय साथ अपने किसी सबॉर्डिनेट को या दूसरे बंदे को एक काम करने के लिए ट्रांसफ़र करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, बेसिकली ये क्यों की जाती है, देखो ये की जाती है कि जो लोअर लेवल पे इंडिविजुअल्स हैं ना, एक तो वो अच्छे से काम कर सकें, उनको फीलिंग आए कि वो भी बड़े बंदे हैं, मतलब बड़े बंदे इन द सेंस कि मतलब उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा योगदान है। कई बार मेजर ये देखो, जब सुपीरियर काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि उसके बिहाफ पे कोई और बंदा एक्ट करे, तब भी डेलीगेशन की जाती है। डेलीगेशन अकेले आप वर्कलोड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती, मतलब काम नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, इसमें एम्प्लॉयज की स्किल्स भी डिवेल्प की जाती हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, यानी अगर आप किसी को किसी काम की जिम्मेवारी देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, उसको पावर्स देते हो, वो जब वो काम को करेगा ना, उसको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसकी उसे ऐसे लगेगा कि भाई मैं मालक की तरह रिएक्ट कर रहा हूँ, तो उसको सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी, उसमें प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। ठीक है, समझ गए आप इसको अच्छे से। बट यहाँ पे ना आपको एक बात याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। देखो ठीक है, चाहे आप डेलीगेशन कर रहे हो अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बट एट द एंड जिस बंदे ने वर्कलोड को या डेलीगेट किया अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी बनेगी। यानी अगर मान लो एक सुपीरियर अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट को दे रहा है, बट एट द एंड जो सुपीरियर है उस काम के लिए उसको ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ना कि सबॉर्डिनेट को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जब आप अफेक्टिव डेलीगेशन करोगे, क्लियर कम्युनिकेशन होगी, क्या क्या आपको काम चाहिए, क्या क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, उन काम को पूरा करने के लिए आप क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे, क्या सुपीरियर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्या क्या मैकेनिज्म फीडबैक और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के लिए बनाई जाएंगी। ठीक है, सो ये सारा आप देख लेना, इसका मैंने आपको अच्छे से मतलब बना दिया। अब आगे आता है डेलीगेशन, एक लाइन आई थी पेपर में, उन्होंने क्या कहा था, जो डेलीगेशन है एक तो वो एवोल्यूशनरी है, ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें इंकरेजमेंट और री इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। ठीक है, देखो जो डेलीगेशन स्किल्स होते हैं ना, ये इनको सीखा जाता है, इनको लर्न किया जाता है, आप इसको एक्सपीरियंस के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, सपोर्ट के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हो। देखो किसी बंदे को अगर, देखो मान लो आप सुपीरियर हो, आपने अपना काम को, अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना, आपके पास 20 बंदे हैं,
20 में से कौन सा बंदा चुनोगे, दैट इज द डेलीगेशन की स्किल्स आपके पास चाहिए। अगर आपने वो बंदा चुन लिया जो कभी वो काम कर ही नहीं सकता, चाहे उसको जितनी मर्जी पावर दे दो, कितनी मर्जी जिम्मेवारी दे दो, तो आपका भी काम फ्लॉप हो जाएगा। सो ये आपकी डेलीगेशन स्किल्स आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इनकरेजमेंट और री इन्फोर्समेंट सुपरवाइजर से और लीडर से, ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं। एक तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। देखो, अगर आपने किसी को डेलीगेशन कर दी अपने काम की, ठीक है, उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जब आप उसको टाइम टाइम पे इंकरेजमेंट दोगे, उसको री इन्फोर्स करोगे, तो उसकी स्किल्स बहुत, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, वो इफेक्टिवली जो उसको टास्क मिलना है उसको पूरा कर पाएगा। सेम वे में जो रीइन्फोर्समेंट है वो आती है रिकॉग्निशन की फॉर्म में, यानी रिवॉर्ड्स की फॉर्म में, सपोर्ट की फॉर्म में, और ये चीज़ फर्दर उसको मोटिवेट करेगी कि आप डेलीगेट करो, उनमें टास्क को इंटरेस्ट करो, ताकि उनको कैरी आउट कर सके, ठीक है। अब एक और आया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कुछ आप बेनिफिट्स मान लो या कुछ आप फायदे देख लो उसके। सबसे तो पहले इससे देखो बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। जब डेलीगेशन होगी अथॉरिटी की तो बेटर डिसीजंस बनेंगे। देखो, जब डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाता है, लोअर लेवल्स तक फैला दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को डेलीगेट कर दिया जाता है उन बंदों के पास जिनके पास उसके रिगार्डिंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल्स है, तो इससे एक तो आपको बहुत अलग अलग बंदों के नज़रिए मिल जाएंगे, ठीक है, आपको अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ मिल जाएंगे। सो जितने ज़्यादा व्यू पॉइंट्स होंगे उतना अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। सेकेंड आता है रिलीव्स मैनेजर्स ऑफ हिज हैवी वर्कलोड। ऑब्वियस बात है, देखो जब आप चीज़ों को डेलीगेट करोगे, अब वो अकेला काम मैनेजर को नहीं करना पड़ेगा, वो और इंपॉर्टेंट काम पे कंसंट्रेट कर सकता है जब उसने वो छोटे काम है जब उसको अगर डेलीगेट कर दिया। तीसरा आता है इट हेल्प ट्रेन सबॉर्डिनेट्स। जो डेलीगेशन अथॉरिटी की वो ऐसी आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को इतने काबिल बनाओ कि वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी आउट कर पाए, फैसले ले सके जो उनको असाइन उसकी अथॉरिटी का उसके अंदर अंदर, उनमें स्किल्स डेवलप होंगी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज उनकी बढ़ जाएंगी, उनको वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ठीक है। सो थ्रू डेलीगेशन सबॉर्डिनेट्स को नॉलेज भी मिलती है, कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप होता है कि वो काम कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट्स बन जाते हैं अपने फील्ड में, ये चीज़ उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। होप्स